पेस्ट स्पेशल, देखिए कॉपी पेस्ट हम ऑफिस में करते ही हैं, तो पेस्ट स्पेशल और इसमें खास क्या है, आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं मोस्टली रैंड बिटवीन का कॉमा लगाता हूँ ताकि रैंडम नंबर आए। मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया, कॉपी पेस्ट कर या ड्रैग कर दीजिए, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये मेरे पास डेटा हो गया। अब नॉर्मली जब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसा है सेम उसी तरह से पेस्ट होता है, ठीक है, सेम टिट्टो जो है आपका पेस्ट होता है। लेकिन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल फीचर है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि आप जो कॉपी करते हैं उसमें का सारा पार्ट नहीं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने का काम हमारा पेस्ट स्पेशल करता है, ठीक है सर? जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर्म और करेंगे तो जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है, जैसे मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या करेगा, फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, ठीक है। फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला बार में विजिबल है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें नेम में तो फॉर्मूला लगा ही नहीं है, तो फॉर्मूला का मतलब है जो आपके फॉर्मूला बार में विजिबल है, चाहे वो नॉर्मल डेटा हो या फॉर्मूला, इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो फॉर्मेटिंग वगैरह को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, समझ गए। अब इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन होता है हमारा वैल्यू। तो फॉर्मूला फॉर्मूला करता है और वैल्यू क्या करता है, इसका वैल्यू करते हुए फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। जैसे आप देखिए फॉर्मूले को इसने रिमूव करके पेस्ट किया, लेकिन ये तो हमने कॉपी करके कहीं और लोकेशन में पेस्ट किया है, बट हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जो हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर जो फॉर्मूला है हमें उस फॉर्मूला को रिमूव करना है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा पेस्ट हो वो फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट हो, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे कर देंगे पेस्ट एज ए वैल्यू। तो कॉपी करके आप उसी के ऊपर अगर पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हो तो उसका फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है, एंड ओके करता हूं कि आपका फॉर्मूला रिप्लेस हो गया, ठीक है, ओके सर। इसका इस्तेमाल हम ऑफिस में बहुत करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम आपको एक रिपोर्ट ओपन करके दिखाते हैं, जैसे आपके सामने एक डैशबोर्ड रिपोर्ट दिख रहा है सर? हाँ जी सर। मैंने इस डैशबोर्ड रिपोर्ट को बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करते उसके हिसाब से डेटा हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट मेरे सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है। अब मुझे अगर ये फाइल आपको भेजनी है तो क्या मैं कैसे भेजूंगा? तो जनरली हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और करेंगे मूव एंड कॉपी, और इसको एक नई बुक में हम कॉपी क्रिएट करके ला लेंगे। अब मुझे ये फॉर्मूला, आप ये जो इस पे जो लगी हुई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब मैं इसके साथ इसका डेटा भी भेजूंगा। बट कभी कभी क्या होता है कि डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या डेटा बहुत बड़ा होता है और डेटा सिक्योर होता है कि नहीं मुझे आपको डेटा नहीं भेज सकता, ये सिक्योर डेटा है, तो वहाँ पर हमें जस्ट रिपोर्ट भेजना है। तो मैंने इसको मूव कॉपी करके मूव कर लिया एक अलग सीट पे। अब ये रिपोर्ट आपको मैं नहीं भेज सकता क्योंकि मेरे सिस्टम में तो वर्क करेगा, आपके सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। आपके सिस्टम में वर्क ना करने के पीछे रीजन क्या है, आपके सिस्टम में वर्क ना करने के पीछे रीजन ये है कि आपके अंदर जो ये डेटा फाइल है वो आपके पास नहीं है, समझे? तो मुझे रिपोर्ट को पेस्ट जो है वैल्यू में करना, सारे फॉर्मूले रिमूव करने हैं, बट प्रॉब्लम है कि फॉर्मूले कहीं कहीं पे, हर जगह फॉर्मूला नहीं है, कहीं कहीं पे फॉर्मूला है, तो एक एक करके पेस्ट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यहां पे हमने पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट की और फिर कॉपी किया और इसी के ऊपर
राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने वैल्यू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेटिंग है, हमारा जो चार्ट्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो हमारा डेटा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है रिमूव हो जाएगा। हो गया सर? जी सर। तो ये चीजें हम ऐसा यहां पे कर सकते हैं, राइट सर? चलिए इसको बंद कर दें और वापस चलते हैं। अब इसमें आता है एक चीज और भी है, इसके ऊपर अगर इसकी फॉर्मेटिंग है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट्स, हमने पेस्ट कर दिया। कमेंट, इसके ऊपर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट हम करते हैं यहाँ पे कमेंट्स, न्यू कमेंट्स, और यहाँ पे डाल देता हूँ कि दिस इज फाइनल अमाउंट। तो यहां क्या हुआ, अब मैं इसको कॉपी करके एक एरिया पे पेस्ट स्पेशल में, अगर हम कमेंट्स करते हैं, सिर्फ कमेंट्स ही पेस्ट होगा। उसी तरह से मान लीजिए मुझे सब जगह पेस्ट करना है, बट बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, तो इसमें हम हमारे पास पेस्ट स्पेशल में ऑल स्पेक्ट बॉर्डर होता है, ऑल स्पेक्ट बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करते हैं। अब कॉलम विड्थ क्यों करते हैं, इसका ध्यान लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा के कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, कि कॉलम उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फिर कॉपी करके जब इसके ऊपर हम पेस्ट स्पेशल जाते हैं, और पेस्ट स्पेशल में जब हम इस पे नॉर्मल पेस्ट करें या कुछ भी पेस्ट करें, तो हमारा कॉलम का विड्थ जो है वो पेस्ट नहीं होता है। तो कॉलम का विड्थ हमारा पेस्ट नहीं होता है, तो क्या पेस्ट होता है, जस्ट कॉलम की साइज पेस्ट होती है, विड्थ पेस्ट नहीं होता है। तो डेटा पेस्ट होता है, कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होता है। फिर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करता हूं, तो विड्थ पेस्ट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेस्ट स्पेशल में जब कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी, डेटा पेस्ट नहीं होगा। ओके सर, एक बार रिपीट करेंगे वाला पॉइंट, मतलब कॉलम जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो कॉलम विड्थ करेंगे तो आपकी कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की जो साइज है, वो सिर्फ पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। डेटा पेस्ट करने के लिए वापस आप मैनुअल पेस्ट कर ले तो डेटा पेस्ट होगा। क्योंकि जस्ट आपने अभी पहले वो किया था, मतलब जिसमें मतलब डाटे के अंदर ही वो कॉलम एडजस्ट हो गई थी, वो हमने डबल क्लिक किया था सर। अच्छा, डबल क्लिक किया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, अब इसके लिए कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो अपने हिसाब से कॉलम को साइज एडजस्ट कर लेगा, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर लेगा। अच्छा अच्छा, वो मतलब सर एक तरीके से मैन्युअली किया था। जी जी, ओके। लेकिन यहाँ पे हो गई। इसके बाद अगर आपके डेटा में अगर डेट्स है, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूं, ठीक है, डेट है, तो डेट जो है यहां पे मैं डाला, डेट के ऊपर मैं फॉर्मेट में लगा देता हूं, जो कॉपी करके जब हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो क्या होता है, ये नंबर्स हो जाते हैं। अब मुझे इसमें पता करना है कि ये नंबर आखिर होता क्या है, ठीक है, ये नंबर होता क्या है, मुझे इसका पता करना है। तो
इसके लिए देखिए क्या है कि जो नंबर्स है ए नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द स्टार्टिंग कैलेंडर कंप्यूटर कैलेंडर सॉरी। यहाँ पे हमने वन लिखा, वन को अगर हम यहाँ पे डेट देते हैं तो ये देखिए 1 जनवरी 1900 होगा, ठीक है 1 जनवरी 1900। उसी तरह से मैं यहाँ पे 32 दूंगा तो महीना चेंज हो गया, 367 किया तो साल चेंज हो गया, ऐसे 4443 कर दिया हमने तो ये डेट बन गया है 4 सितंबर। समझे, तो ये नंबर ऑफ डेज होता है। अब इसमें हम एक चीज जानते हैं कि ये नंबर ऑफ डेज है हमारा, ये आखिर ये नंबर ऑफ डेज जो है आखिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई क्यों है, समझे मतलब प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्यों किया गया। तो क्या होता है कि अगर किसी भी डेट के साथ टेक्स्ट अगर एंट्री करते हैं, किसी भी डेट के साथ अगर टेक्स्ट एंट्री करते हैं तो इसके ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते लेकिन हम डेट के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विजुअल हमारा डेट है बट एक्चुअल में डेट नहीं है। इस पे कर्सर रख के अगर आप जनरल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपको आ जाएगा, तो एक्चुअल में ये डेट दिख रहा है बट ये डेट है नहीं। इसके ऊपर जब हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो इस तरह से डेट आपका दिख जाता है। जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो इसको बोला गया है कि रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए उसको रिमूव कर देता है। समझे समझे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप डेट को ना ले, यहाँ पे फॉर्मूला और वैल्यू को ना ले, यहाँ पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को ले और फिर इसको ओके कर। रिजल्ट आ गया सर जी। इस तरह की चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे हम अलग अलग उसमें वैल्यूज यूज कर रहे हैं जैसे पे स्पेशल में हम अलग अलग फॉर्मेट में, जो आपने अभी डेट वाला बताया अगर हमें सिर्फ डेट से रिलेटेड कोई डाटा डालना है तो उसमें हम ये वाला स्पेशल यूज कर सकते हैं पे स्पेशल डेट एंड नंबर वाला। ओके ठीक है, गॉट इट सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ पे 30 है, तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो ए हो जाता है, रिपीट हो जाता है, यानी कि ओवरराइट हो जाता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे कि मुझे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके करेंगे तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। तो मेरे पास मंथली सेल्स दिए हुए हैं कि किस पर्सन ने किस महीने में कितना सेल किया है, ठीक है, कि किस पर्सन ने किस महीने में कितना सेल किया है, ये दिया हुआ है। और मैं रैन बिटवीन फॉर्मूले की मदद से यहां पे लिख देता हूं। कॉपी किया, इसी के ऊपर हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि सेम जो है हमारा टारगेट भी, क्योंकि हर महीने का हर पर्सन का टारगेट अलग अलग है। अब ये रिपोर्ट मैंने आगे पब्लिश की तो जिसको रिपोर्ट देना है उसने साफ साफ मुझे बोला कि किसने कितना फिगर किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, इस फिगर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बताओ कि इसने कितना परसेंट सेल किया है अपने टारगेट का, इसको क्या टारगेट दिया गया था और कितना टारगेट इसने किया है।
समझे? समझे सर, मतलब टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। जी। तो यहां पे हमने क्या किया कि इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल हम डिवाइड करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा कि इस सीक्वेंस में डिवाइड होगा, जो डिवाइड होगा सीक्वेंस में होगा। ओके ठीक है, जी सर। तो जैसे कि आपको 56 को 15 डिवाइड करेगा, 55 को 54 करेगा। तो इस केस में हम यहां पे क्या करेंगे, एंड ओके करेंगे और यहां पे परसेंटेज का सिंबल ले लेंगे। सर इसमें एक छोटा सा डाउट आया था कि जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है कि मतलब डिवाइड कौन किससे हो रहा है। हाँ, तो देखिए जहां से कॉपी हुआ है वो डिवाइड करेगा जहां पे पेस्ट होगा, समझे? मुझे मतलब अगर देखिए 56 को 15 से डिवाइड करना है ना, या देखिए मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ कि ए आपका, ये हमारा यहाँ 56 हो गया, यहाँ पे आपका 15 हो गया। तो जो हम जो जिसको हम कॉपी कर रहे हैं वो ये होगा, ठीक है, समझिए सर, और जो पेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहाँ ये होगा। ओके सर। समझ गया सर। क्योंकि कई बार मतलब वैसे डाटा निकालना तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना, कि जी, क्योंकि अगर उल्टा होता 56 डिवाइडेड बाय मतलब वो वैसा होता तो नहीं डाटा तो फिर। इससे नियम फिक्स है, नियम पता होना चाहिए। उसका एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि यहाँ फॉर्मूला डाला हुआ है, मान लीजिए कि मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ डाल रखा हूँ, और हर सेल में मेरा अलग अलग फॉर्मूला है, एक नहीं है, ताकि हम ड्रैग करें। हर सेल में हमारा अलग अलग फॉर्मूला है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मूला रिमूव ना हो, फॉर्मूले के अंदर जाके डिवाइड बाई 15 कुछ इस तरह से कर दे। तो ये चीजें भी आप यहां से कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें, इस पे जाएं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कर दें आप डिवाइड, ठीक है, एन वर्ड परसेंटेज। अब इसमें आगे का ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ फिगर है, मेरे पास कुछ फिगर आउट, यहाँ पे कुछ फिगर देते हैं, कुछ फिगर है मेरे पास। एक एक क्वेश्चन था, आप एक बार पिछले शीट पे जाएंगे डिवाइड वाली। अगर चलिए, मान लीजिए कहीं पर ये जीरो है तो डिवाइड बाई जीरो होगा। तो वो एरर हैंडल करनी पड़ेगी क्या? हाँ, फिर एरर के लिए फिर आपको एरर हैंडल करना पड़ेगा ना। फिर उसमें एक काम और, इसमें और कर सकते थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है। अब इसकी सॉल्यूशन है यहाँ पे मेरे पास। जैसे यहाँ पे मेरे पास कहीं कहीं पे जीरो है, यहाँ जीरो, दो जगह जीरो कर दिया ना सर हमने, तो मान लीजिए नल भी है कहीं पर। फिलहाल हम जीरो रखते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं आपको। जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जहां जीरो था वहां एरर आ गया। ओके, तो इसका सलूशन ये है कि जीरो को कर दीजिए डिलीट, समझे, और उसको रखिए ब्लैंक, जो नल आप बोल रहे हैं यहां पे ब्लैंक होता है, ब्लैंक, और फिर पेस्ट स्पेशल करें। और पेस्ट स्पेशल करते समय यहां एक ऑप्शन आता है, स्किप ब्लैंक, ठीक है, जी सर, स्किप ब्लैंक कर दें। एंड ओके कीजिए। सॉरी, हमने डिवाइड तो किया नहीं सर, नहीं, वो नहीं गया सर। पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहां पे कर दिया स्किप ब्लैंक एंड डिवाइड। तो आप देखेंगे जो ब्लैंक था वो डिवाइड ही नहीं हुआ, समझ गए?
जी सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो सॉरी।